Hello students, so in the previous lessons we have discussed about various factors that affect the climate of a place or a climate or the climate of India, right? So now in this video or in this lesson we will be discussing that what are the factors about the Indian monsoon, right? Kyunki hamara jo climate hai India ka, that is a monsoon kind of a climate. So we have to discuss about the Indian monsoons and what are certain things that affect these monsoons. So pehli cheez to humne India ke hi factors ko dekh liya tha, the northern mountains, heating of the Tibetan plateau, it's also mentioned here also in this slide, you can see it. But far from India, there are still certain factors that affect the climate or the monsoon of India. And these factors, these common factors are like the ITCZ, then the effect of El Nino, La Nina. So in this part, I will be discussing about ITCZ and the effect of El Nino and what is El Nino actually, right? So let's move further. So ITCZ, that means the intertropical convergence zone. The word itself suggests that it is a zone or a narrow belt where the winds merge, जहाँ पे दोनों hemispheres की winds आपस में merge हो जाती हैं. And this area, you can see that it is marked by red. And this ITCZ, ये located होता है on the north and the east and the south side of the equator. ठीक है, सो इक्वेटर के दोनों तरफ इसकी लोकेशन होती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन और बिकॉज ऑफ द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, बिकॉज एक्चुअली द सन इज़ नॉट मूविंग, द अर्थ इज़ मूविंग. सो देयर इज़ अ शिफ्ट इन द ITCZ और जहाँ पे भी ITCZ होता है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस लो दीज लो प्रेशर देयर इज़ अ अराइवल ऑफ ट्रॉपिकल मॉनसूनस. ठीक है, इन द समर सीजन, लेट मी जूम दिस मैप एंड यू कैन चेक इट आउट. सी, दिस इज ITCZ एंड हियर यू कैन सी दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई, दिस इज इन द मंथ ऑफ जुलाई, मतलब ये इंडिया के ऊपर है, देखो इसकी लोकेशन, राइट? तो यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है इन इंडिया, राइट? और यहीं पे लो प्रेशर बनने के कारण क्या होता है, मॉनसूनस अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, देन इन द मंथ ऑफ जनवरी, जून में, रिमेंबर दैट दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, हियर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, राइट? तो जून में सन इज ओवर हेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. देन जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर ऑन द इक्वेटर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वो आ जाता है केप्रिकॉन पे, राइट? तो ऐसे होता है सन का मूवमेंट. एक्चुअली सन का मूवमेंट नहीं, प्लीज़ माइंड माय वर्ड्स दैट इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, बट वी सी द सन मूविंग, ऑब्जर्व द सन मूविंग. ठीक है, दिसंबर में यहाँ, देन जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, देन जस्ट अ मिनट. So in the month of July or June we have the sun here. Then June ke baad July, August, September. In September it is near the equator. October, November, December. In the December month it is in the on the tropic of Capricorn. और ऐसे ही likewise sun का जो movement है वो चलता रहता है हमारे tropics पे, right? हम ट्रॉपिक्स को ही स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रॉपिक्स पे ही सन की जो रेज हैं दे फॉल डायरेक्टली और वर्टिकली. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे हीट ज़्यादा, लो प्रेशर यहाँ इन रीजन्स में ज़्यादा फॉर्म होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस ITCZ देर इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉनसून विंड्स. Here I have also mentioned the effects of ITCZ. It affects the rainfall in the equatorial region due to the variation of location, resulting in a wet and dry seasons of the tropics rather than cold and warm seasons
ऑफ हायर लैटिट्यूड्स, मतलब ITCZ की जो लोकेशन है वो इधर ट्रॉपिकल एरिया में ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो क्लाइमेट है इस तरीके की पाई जाती है। किसी किसी एरिया में वेट क्लाइमेट, कहीं कहीं पे ड्राई क्लाइमेट, देन और यहाँ पे पोलर रीजन्स में लो प्रेशर नहीं बनता, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, बहुत ही मिनिमल रेनफॉल होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन मॉनसून्स और विच अफेक्ट द इंडियन मॉनसून इज़ द सदर्न ऑसिलेशन। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? सदर्न ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मीन्स अ डिफरेंस, राइट, अ डिफरेंस। इट मे बी हायर, इट कैन बी लोअर ऑल्सो, बट किसका डिफरेंस हम इसमें देख रहे हैं? वी कैलकुलेट द वेरिएशन इन द सी लेवल प्रेशर, सी लेवल प्रेशर इस एरिया में और इस एरिया में। ठीक है, सी लेवल का या सी सरफेस का जो प्रेशर है हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, दिस प्लेस इज डार्विन, दिस इज डार्विन ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस इज ताहिती ओवर द सी। ये सी में ही एक वेदर स्टेशन है। इन दोनों जगहों के प्रेशर को मेजर किया जाता है सदर्न ऑसिलेशन को फाइंड करने के लिए, राइट। लो प्रेशर ओवर डार्विन जनरली कॉमनली क्या होता है? देयर इज लो प्रेशर ओवर डार्विन, मतलब यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई है, एंड हाई प्रेशर एट ताहिती। इट एनकरेजेज द सर्कुलेशन ऑफ एयर फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट, drawing warm surface water westwards and bringing precipitation to Australia and Western Pacific. इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में यहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस है ये चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से देर इज़ अ चेंज इन द विंड पैटर्न्स एंड द मॉनसून पैटर्न्स ऑल्सो। ठीक है, सो दिस वॉज सदर्न ऑसिलेशन। Let's move now towards the next factor and let's see that factor, that is El Nino. ठीक है, El Nino, El Nino is basically a Spanish word, Spanish से लिया गया इस word को, which means a Christ child, baby Christ, मतलब Jesus Christ है ना, उनका छोटा रूप, एक बच्चा, तो that is El Nino. और El Nino basically है क्या? तो देखो इसके लिए एक map देखते हैं। Here are the continents given to you and I feel that, I hope that you all can identify these continents. Here you will find India, ये वाला part, Indonesian islands, Australia, North America and South America. ये नीचे हमारा जो Antarctica है वो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, so this is the Asian continent given here. राइट, इतना समझ आ गया। अब देखो नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, हम एल नीनो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें 22 दिसंबर पे ध्यान देना है हियर, क्योंकि सन जो है हमारा 22 दिसंबर को यहाँ है। ठीक है, हमें इंडिया को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। सो दिसंबर टाइम, मतलब हमारे इंडिया में अभी ठंड का मौसम है ना, मोस्टली ठंड का मौसम है नॉर्दर्न इंडिया में, बिकॉज द सन इज़ नॉट डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज़ डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ पासिंग थ्रू इंडिया, दिस इज़ द इक्वेटर। दिस मच इज़ क्लियर टू यू आई होप। नाउ इन नॉर्मल टाइम्स देयर इज़ अ कोल्ड करेंट, कोल्ड पेरू करेंट, राइट, पेरू यानी कि साउथ अमेरिका का एक रीजन। ठीक है, तो कोल्ड पेरू करंट यहाँ से बहता है, कहाँ से? अंटार्कटिका के साइड से, अंटार्कटिका यानी वेरी कोल्ड, एंड दैट इज़ वाई द करंट विच फ्लोज फ्रॉम दिस साइड इज़ आल्सो वेरी कोल्ड, राइट। सो इन नॉर्मल टाइम्स अ कोल्ड करंट, कोल्ड पेरू करंट, इट फ्लोज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ऐसे साउथ अमेरिका के कोस्ट पे की तरफ वो बहता है, राइट। और ये यहाँ पे बह के यहाँ के पानी को ठंडा करता रहता है, राइट। तो इसकी नॉर्मल जो सर्कुलेशन है वो ऐसी होती है। बट व्हेन देयर इज़ एन एल नीनो व्हाट हैपेंस दैट द सन
हीट्स अप दिस रीजन, कभी कभी यहाँ का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है। अब ये कोल्ड पेरू करंट यहाँ से आया जिसकी वजह से ये भी यहाँ पे गर्म हो गया आकर, राइट। अब इस पेरू, अब इसकी वजह से ये जो पेरू करंट है ये आगे नहीं गया, आगे नहीं जा पाया, ये इस तरीके से इसका टर्न हो गया ये यहाँ पे, राइट। अब ये टर्न क्यों हुआ, क्योंकि देयर आर ट्रेड विंड्स ऑलवेज ब्लोइंग। अब ये यहाँ पे इक्वेटर के इस तरफ से ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड विंड्स आ रही हैं, तो ट्रेड विंड्स इसको आगे नहीं जाने देंगी, ये यहीं पे इस तरीके से रहेगा पीछे। अभी ऐसे तो वापस से तो ऐसे मुड़ेगा नहीं, क्योंकि कोल्ड करंट ऑलरेडी, अ कोल्ड रीजन इज़ हियर। तो मैंने बताया था कि जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हवाएं हैं ये लो प्रेशर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगी, और ये हवाएं अपने साथ ही मोस्टली यहाँ पे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की वजह से क्या होगा कि ये जो पेरू करंट है ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। अब हम इसको पेरू करंट नहीं बोलेंगे, नाउ इट विल बी नोन एज द एल नीनो, ठीक है। नाउ इट मूव्स लाइक दिस, वन स्ट्रीम गोज टूवर्ड्स ईस्टर्न चाइना एंड वन स्ट्रीम मूव टूवर्ड्स द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ये करेंट्स कैसे हैं, वार्म करेंट्स। ये जो कोल्ड करेंट चला था अब ये यहाँ पे गर्म हो गया, एंड नाउ इट इज़ मूविंग हियर एंड हियर, ये ओशन करेंट्स हैं। हियर इट इज़ नोन एज द क्यूरोशिवो वार्म करेंट, हियर इट इज़ नोन एज द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म करेंट, ठीक है। अब ये आगे भी बढ़ेगा, यहाँ पे हियर इट रीच्ड इंडोनेशिया एंड हियर इट इज़ रीचिंग नाउ इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन तक पहुँचते पहुँचते इसको आ गया जून का टाइम, राइट। जून का टाइम इसको आ गया, मतलब हमारे यहाँ पे मॉनसून आने वाला है ना। मतलब देयर इज़ अ हाई प्रेशर इन द इंडियन ओशन एंड लो प्रेशर ओवर द लैंड। बट ये गर्म पानी यहाँ से आ गया जिसकी वजह से इसने इस हाई प्रेशर यानी ठंडे पानी को, ठंडी हवाओं को भी क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब ये हवाएँ बेचारी ठंडी थी, राइट, और ये लैंड के ऊपर चलने वाली थी और बारिश करने वाली थी इंडिया में, बट ये हवाएं, ठंडी हवाएं भी अब क्या हुआ, इसकी वजह से गर्म हो गई, राइट। तो मैंने बताया है कि बारिश क्यों होती है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ समुद्र के ऊपर से इंडियन ओशन की तरफ से हवाएँ जाती हैं मॉइस्चर लेकर, और वो इंडिया में बारिश करती हैं। बट ये हवाएँ तो अब जाएंगी नहीं इंडिया की तरफ, ये क्या हुआ, अब ऊपर की ओर उठ जाएंगी क्योंकि गर्म हो गई, एंड ऑलवेज वार्म एयर ऑलवेज राइजेस अप, सो दे विल स्टार्ट राइजिंग अप नाउ। अब ये ऊपर उठने लगेंगी, बट हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे अभी ट्रेड विंड्स भी हैं, जेट स्ट्रीम जो इंडिया में चलती हैं, है ना। तो ये स्ट्रीम्स क्या करेंगी, इस ऊपर उठने वाली, यहाँ से जो हवा ऊपर उठ रही है, ये इसको धीरे धीरे नीचे प्रेशराइज करेंगी, एंड दे विल फोर्स दीज विंड्स टू मूव स्लोली टूवर्ड्स इंडिया, राइट। तो ये मॉनसून विंड्स क्या हुई, अब इनकी स्पीड जो थी वो बहुत कम हो गई, स्पीड इनकी जो थी वो बहुत कम हो गई, एंड दैट इज़ वाई दीज मॉनसून विंड्स विल रीच इंडिया वेरी लेट। ये समझ आया, दे विल नाउ रीच इंडिया वेरी लेट। तो ये लेट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से एल नीनो की जो ओशन करेंट्स थे, ये जो गर्म ओशन करेंट्स था, ये ओशन करेंट इंडियन ओशन पहुंचा और इसने यहाँ के हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करना, करने की कोशिश की, राइट। जिसकी वजह से मॉनसून्स गॉट लेट इन इंडिया, ये समझ आ गया। तो इस जो कंडीशन हमने अभी पढ़ी उसमें मॉनसून लेट हुए, कभी कभी इन एल नीनो की वजह से देयर आर वेरी हाई रेन्स, हैवी रेन्स विच कॉज फ्लड्स, समटाइम्स इट इज़ नॉर्मल मानसून, राइट। तो हमने कभी कभी न्यूज़ में हम देखते हैं ना कि इस बार मानसून लेट आएंगे, इस बार जल्दी आएंगे, कहीं कहीं पे हैवी मानसून होंगे जिनकी वजह से फ्लड्स आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल कॉज ड्यू टू दिस एल नीनो करेंट्स। तो डिड यू अंडरस्टैंड दैट एल नीनो करेंट्स, ओके। अब इसी से रिलेटेड एक होता है, एक फेनोमेना और होता है, दैट इज़ नोन एज ला नीना, ठीक, ला नीना। तो एल नीनो में ये करंट कैसा था,
करंट यहाँ पे क्या हो गया था, गर्म हो गया था, और ये गर्म करंट ही आगे बढ़ रहा था, ठीक है। अब ला नीना में क्या होगा, ये पेरू करंट जो ठंडा है, दिस कोल्ड पेरू करंट, यही हवाओं की वजह से आगे जाएगा, ये ला नीना है, ठीक है, दिस इज़ ला नीना। और ये ठंडे करंट की वजह से जो मॉनसूनस हैं वो बहुत तेज़ हो जाते हैं, और इन्हीं की वजह से हैवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, ये सब होते हैं इंडिया में, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स। सो हियर आई हैव मेंशन्ड सम टर्म्स एंड स्टेटमेंट्स, यू कैन रीड एंड नोट देम डाउन इन योर नोटबुक। देर इज़ ऑल्सो अ टर्म एन सो, तो एन सो ये किससे बना है, एल नीनो प्लस एस ओ, सदर्न ऑसिलेशन, और एल नीनो से बनकर मिल गया क्या, एन सो, राइट। द एन सो इज़ रिलेटेड टू एल नीनो, हैंस द फिनोमेना इज कॉल्ड एन सो, द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इन दोनों को हम बोलते हैं एन सो, समझ आ गया। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द ITCZ, द सदर्न ऑसिलेशन, देन द एल नीनो, और ये मैप देखना, इस मैप से काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस मच ओनली इन दिस वीडियो, इसके आगे विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर।